ये कहानी है भिखारी और राजा की। सुबह का समय था, भिखारी अपने घर से बाहर निकल रहा था। अचानक उसने सोचा कि भीख मांगने से पहले अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डाल लेता हूँ, जिसके द्वार पर भी भीख मांगने जाऊं तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक साधारण भिखारी है, बल्कि उसे ये लगना चाहिए कि ये एक विशिष्ट भिखारी है। इस भिखारी को भी दान मिलता है। और ये सोचते हुए उसने अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि सामने से राजा का रथ आ रहा था। उसने सोचा कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और झोली फैलाकर सामने खड़ा हो गया। राजा का रथ भी भिखारी के सामने आकर रुक गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी के सामने राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दे दो। भिखारी ने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि एक भिखारी से ही राजा कहेगा कि मुझे कुछ दे दो। अब भिखारी झोली में हाथ डालता और बाहर निकाल लेता। भिखारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक मुट्ठी चावल दे दूं, क्योंकि देने की आदत कभी थी ही नहीं, हमेशा मांगने की आदत थी। राजा ने कहा, जल्दी करो, जो भी देना है दे दो, फिर मैं जाऊं। राजा ने कहा, मैं महल से सोचकर निकला था, जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। आखिरकार भिखारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी झोली में हाथ डाला और एक चावल का दाना निकालकर राजा की झोली में डाल दिया। राजा रथ पर बैठा और चला गया। अब भिखारी के मन में पश्चाताप होने लगा कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भिखारी को इतनी भीख मिली कि उसकी झोली पूरी भर गई थी, लेकिन मन में पश्चाताप व निराशा थी कि एक चावल का दाना व्यर्थ ही चला गया। शाम को भिखारी घर पहुंचा। पत्नी ने कहा, इतने उदास क्यों हो, आज तो झोली पूरी भरी हुई है। उसने कहा, आधी भरी है आधी खाली, एक चावल का दाना आज देना पड़ा। उसने अपनी झोली को खाली कर दिया। भिखारी ने देखा, सारे दाने चावल के थे, लेकिन एक दाना सोने का था। यह देखकर भिखारी अब रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, मैंने सारी झोली ही क्यों ना उलट दी, सारे दाने सोने के हो जाते, लेकिन अब तो अवसर निकल गया था। राजा रोज तो रास्ते पर नहीं मिलेगा। ये तो एक कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो भी हम देते हैं वे ही दाने सोने के होते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वे मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। जीवन का अर्थ है देना, मांगना नहीं।